नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज झारखंड चुनाव के लिए नामांकन का मेगा डे रहा। आज एनडीए और इंडिया के कई दिग्गजों ने एक साथ नामांकन भरा, जिसमें बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल रहे, जबकि गांडे विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक बार फिर से नामांकन किया। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि एक चुनावी प्रक्रिया है जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। बीजेपी नेताओं की झारखंड में कैंपेनिंग को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग प्रवासी नेता हैं, जो कुछ दिन बाद झारखंड में खोजने से भी आपको नहीं मिलेंगे। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बरहेट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामांकन का पर्चा भरते नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के हिस्से में मैं शामिल हुआ। वहीं दूसरी तरफ गांडे से कल्पना सोरेन, और आपको यह भी बताते चलें कि बतौर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए विधानसभा का चुनाव अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बरहेट से नामांकन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हूं या फिर समर्थक हूं भीड़ के रूप में उमड़े नजर आए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली बार भी अकेले थे और इस बार भी अकेले ही विरोधियों की के सामने वो एक चुनौती की तरह खड़े हैं और उन्हें धूल चटाएंगे। परंपरा है हमारा कि आज इनके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर ये नहीं। क्या करेंगे जिस अकेले हेमंत सोरेन जी विरोधियों के खिलाफ रणनीति कारगर बना रहे हैं? इससे पहले और कौन लड़ा था, उस समय भी हम अकेले ही लड़े थे। उससे चिंता करने की बात नहीं है, उन लोगों को घूमने दीजिए। सर, तो सिर्फ बरहेट से लड़ेंगे कि कोई और भी है? आप दो जगह से लड़ते हैं सर, एक बार है तो? अच्छा, दो जगह से पहले लड़े थे, भूल गए थे, देखते हैं। तो बड़े चुटीले अंदाज में हेमंत सोरेन कहते नजर आए कि अच्छा, पिछली बार दो जगह से लड़ा था क्या मैंने, लेकिन इस बार मैं अकेले ही काफी हूं और धूल चटा दूंगा सभी को। तो हेमंत सोरेन ने आज बरहेट से नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन में अपनी संपत्ति को लेकर जो शपथ पत्र दिया है उन्होंने, उसके मुताबिक हेमंत सोरेन के पास मात्र 45,000 रुपए नकद, सीएम हेमंत सोरेन के पास एक कार है। 2008 में खरीदी गई इस कार की कीमत आज 60,000 रुपए है। हेमंत सोरेन के पास दो डायमंड नेकलेस हैं, एक इटालियन चेन उनके पास है। हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर 4 बैंक में 5 अकाउंट जरूर हैं। पत्नी कल्पना सोरेन के खाते की अगर बात करें तो खाते में क्या कुछ है वो भी जरा देख लीजिए और जान लीजिए। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के नाम पर बैंक में, जिसमें आईसीआईसी बैंक का जिक्र किया गया है, 2 एफडी उन्होंने जरूर पत्नी के नाम पर खोली हुई है। पत्नी कल्पना सोरेन के खाते में जो राशि है उसकी चर्चा भी यहां पर की गई है कि यही जमा पूंजी जो है उनके पास है। कल्पना सोरेन के नाम पर बैंक में आईसीआईसी बैंक में 2 एफडी जिसकी चर्चा हमने अभी की, दोनों एफडी का मूल्य जो है वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और यही राशि, इसी का जिक्र उनकी तरफ से आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने के दौरान अपनी कुल संपत्ति के तौर पर किया गया। मुख्यमंत्री के बाद अब नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की भी बात करते हैं। जी हां, अमर बाउरी, बीजेपी प्रत्याशी अमर बाउरी ने भी चंदन क्यारी से तीसरी बार मौका है जब नामांकन का पर्चा उनकी तरफ से भरा गया। नामांकन के बाद अमर बाउरी की चंदन क्यारी की जनता के सामने वो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जनता का प्रेम भी है और तीसरी बार हैट्रिक मैं लगाऊंगा, बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने का और विरोधियों की हार की भी हैट्रिक होगी। अमर बाउरी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से इस भ्रष्टाचारी सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगा। उम्मीद अच्छाई की, उम्मीद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की, उम्मीद चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड में एक ऐसी जन सरोकार की सरकार बनाने की जिसके माध्यम से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे,
चंदनगढ़ के जनता के पास यह मौका है हैट्रिक लगाने का, जीत का हैट्रिक लगाने का, हार का हैट्रिक लगाने का। कि इन्होंने एक एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा को पांच वर्षों में आप लोगों ने देखे कि झारखंड अलग हुए लगभग 20 वर्षों में चला 22 वर्ष, किसी ने इस तरह से जोरदार तरीके से आज तक विपक्ष के नेता बहुत हुए होंगे मगर इनके जैसा नेता, जुझारू प्रखर नेता जो एकदम निडर होकर जनता के हर समस्या को विधानसभा में उठाने का काम किया। और अब चला बात कर लेते हैं रांची विधानसभा सीट की, जो इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। जी हां, दिलचस्प लड़ाई इस सीट पर आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज और 6 बार के विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने जेएमएम से मौजूदा राज्यसभा के सांसद महुआ मांझी हैं। 13 नवंबर को रांची सीट के लिए मतदान होना है, जिसके लिए दोनों ने ही आज नामांकन कर दिया और दोनों ही नामांकन की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तरफ सीपी सिंह है जो बीजेपी कैंडिडेट, और नामांकन के बाद दोनों ही नेताओं ने जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। सीपी सिंह ने जहां हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही, तो वहीं महुआ मांझी ने विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। झारखंड के अस्मिता को बचाना है, झारखंड के रोटी बेटी और माटी को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे ताकि झारखंड से ठगबंधन की सरकार को हटाया जा सके और झारखंड की अस्मिता को बचाया जा सके। रांची वासियों को हम लोग एक मेट्रो सिटी का सुख देना चाहते हैं। विगत 30 वर्षों से उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, लेकिन रांची की जो स्थिति है उसे देखकर नहीं लगता कि ये राजधानी है। मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आप लोगों की हर समस्या से आपको निजात दिलाने का प्रयास करूंगी। तो खूंटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता देंगे नीलकंठ सिंह मुंडा ने 6ठी बार खूंटी से पर्चा भरा है। नॉमिनेशन के बाद नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड का विकास करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे। बीजेपी उम्मीदवार से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता जूली ने। तो इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार नीलकंठ मुंडा जी अपने नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं और समर्थकों का देख सकते हैं हुजूम है इनके साथ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में इस बार जाने वाले हैं? जब मैं 2000 मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने खूंटी की जनता से ही कहा था कि मैं खूंटी का विकास करूंगा और मैं आपके बीच में सहज उपलब्ध रहूंगा, और आज उसी का परिणाम है कि लगातार खूंटी की जनता ने 5 बार मुझे विजय बनाने काम किया है और इस बार भी खूंटी की जनता ने संकल्प लिया है कि 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा जी को जिताने का मुझे काम करेंगे। ये खूंटी की जनता ने संकल्प लिया है। आप देख रहे हैं अभी जो हमारा नॉमिनेशन के बाद जब हम आ रहे हैं तो देख लीजिए सामने लगभग 1 किलोमीटर तक लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और सभी लोग उत्साह में हैं और सभी के मन में है कि इस बार पुनः एक बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाने का काम करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर लगातार कोई नेता जीत रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो क्या आपको भी लगता है कि जनता के बीच में? आपको देखने से पता लगेगा कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं। देख लीजिए आधा एक किलोमीटर तक लोगों का हुजूम लगी हुई है और लोग एक एक आदमी, एक एक पब्लिक, एक एक वोटर्स आज कह रहे हैं कि नीलकंठ सिंह मुंडा भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देने का काम करेंगे। और ये हमारा आज का जो देख रहे हैं ये नॉमिनेशन के बाद जो भीड़ उमड़ी है या लोग आए हुए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप आपकी सरकार बनती है झारखंड में, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या क्या बीजेपी करेगी, क्या क्या आपके विकास का रोड मैप क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 5 तंत्र आप देखे होंगे और हम भारतीय जनता पार्टी ने ही कही है कि हमारी यदि सरकार बनती है हम तो झारखंड प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे, यहाँ के युवक युवक को तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, यहाँ के लोगों को गोगो दीदी के तहत हम उनको महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी तरह हम सारे क्षेत्रों में, चाहे हो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोगों को हम यहाँ विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिए हुए।
तो ये आपने बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ मुंडा को सुना और उनका कहना है कि हम हर तरीके से विकास करने की कोशिश करेंगे और एंटी इनकम्बेंसी की लहर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन सन के साथ जूली, न्यूज 18 खूंटी। तो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार चक्रवाती तूफान दाना से भी खतरनाक है, जिसने झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, आई नामांकन के साथ इस सरकार को फाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए। और अब बात हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट हो चुकी जमशेदपुर पूर्वी सीट की, जो रघुवर दास की परंपरागत सीट रही है। इस बार के चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने आज नामांकन कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पूर्णिमा दास ने कहा कि चुनौतियों से लड़ना ही उनके लिए चुनौती है और महिलाओं और बेटियों के सम्मान में वो इस चुनाव में जनता की आवाज बनकर उतरी। जमशेदपुर पूर्वी का ये विधानसभा सीट, जमशेदपुर पूर्वी सबसे हॉट सीट माना जाती है और वहीं से जमशेदपुर की बेटी पूर्णिमा दास ने आज नॉमिनेशन किया है। सीधे तौर पर उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आशीष जी। कितना बड़ा चैलेंज होगा? मैंने पहले भी कहा कि चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं, उनका सामना करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप उनका सामना कर लेते हैं वो सबसे बड़ी बात है। अगर चुनौतियां आ रही है तो आने दीजिए, हम चुनौतियों का सामना करने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो देवतुल्य जनता है उनके साथ हम खड़े हैं। पूर्णिमा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बेटियों को बढ़ावा देते हैं और उसका असर भी साफ तौर पर झारखंड में देखने को मिला है। 12 महिलाओं को विधायक के प्रत्याशी बनाया गया है, ये कितनी बड़ी आप लोगों के लिए गर्व की बात है। देखिए, अगर महिलाओं को सम्मान दिला सकते हैं तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है भारतीय जनता की पार्टी। उन्होंने ये साबित किया है इस विधानसभा चुनाव में, झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने 12 महिलाओं को ये अवसर प्रदान किया है कि वो स्वयं आके अपनी लड़ाई लड़े और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया कराए। आपके ससुर यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के सह राज्यपाल रघुवर दास जी लगातार पूर्वी में कई ऐसे काम किए, आज भी झारखंड की जनता उनको याद कर रही है, तो क्या उस कमी को भी आप पूरी तरह से आप... जी उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने अपना पूरा 25 साल इस जमशेदपुर क्षेत्र को दिया है, इस झारखंड राज्य को दिया है, तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। पर मैं कोशिश करूंगी कि उनके मार्गदर्शन पे चलकर मैं उनके जैसा बन, वो तो नहीं बन सकती पर उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगी और जनता का जो समस्या है, उनकी भावनाएं मुझसे जुड़ी है, अगर उनकी कोई भी समस्या जमीनी स्तर पर होगी मैं उनसे तुरंत मिलकर उस समस्याओं का समाधान निकालूंगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आपकी बेटी, आपकी बहू आपके समक्ष खड़ी है, आपके लड़ाई में आपके साथ खड़ी है, आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए वो सीधे झारखंड सरकार से लड़ने के लिए उतरी है इस मैदान में। तो जिस तरह मैंने पत्रकारिता में अपनी सेवा दी है जनता की आवाज को उच्च कोटि तक पहुंचाने की, तो मैं पूर्णता कोशिश करूंगी कि मैं आपकी आवाज बन सकूं। तो ये थी पूर्णिमा दास जी, जिन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ जो कई समस्याएं उठाई थी, आज उस समस्याओं को निजात दिलाने का दावा कर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार। तो झारखंड के रण में बिहार के दिग्गज भी अब दम दिखाने के लिए उतर चुके हैं। चतरा में चिराग पासवान ने चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने प्रत्याशी जनार्दन पासवान के लिए वोट मांगा। चिराग पासवान ने इंडी अलायंस के नेताओं पर आरोप लगाया कि लोग संविधान की हत्या के नाम पर आपको डराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में झारखंड काफी पीछे चला गया है। पीछे की ओर रुख करना शुरू किया, जहां एक तरफ भारत के बाकी राज्य विकास की राह पर नई गाथाएं लिखने का काम कर रहे हैं, तो अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि झारखंड पीछे की ओर जाता गया। तो कोडरमा सीट से आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव ने अपना नामांकन किया है। सुभाष यादव के नामांकन के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव ने उनकी जीत का दावा किया।
बता दें कि 2019 में हुए चुनाव में भी सुभाष यादव ने आरजेडी की ओर से अपना नामांकन किया था, लेकिन झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होने की वजह से सुभाष यादव का नामांकन रद्द हो गया था। धरती रही है कोडरमा, यहाँ से हमारे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, हम लोग सभी लोग जीतेंगे। आपका देखिए कोडरमा में जो भी लोग हैं, जितना यहाँ मिनरल्स है, जितना यहाँ माइंस है, उस हिसाब से कोडरमा का जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। तो कोडरमा के इंदरवा के लोकाई में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा की और अपने प्रत्याशी सुभाष यादव के लिए वोट मांगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, पिछड़ा विरोधी लोग हैं, व्यक्ति विशेष का भले ही लोग भला करते हैं, पूरे समाज को धोखा देने का काम किया है। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी, मांडर से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा विधानसभा से भूषण बाड़ा और कोलेबीरा विधानसभा सीट से नमन विस्कल कोगांडी ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन के दौरान सभी उम्मीदवारों ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। यहाँ निकलने वाला है झारखंड में उनका दाल नहीं गलेगा। यहाँ जनता ने मन बना लिया है, भाजपा जो जिस तरह से कूटनीति चलती है वो फेल हो गई। मगर जिस निष्ठा से हम अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसको देखकर मांडर की जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे। करने वाले बच्चों के लिए जिस तरह से मैं एक एक कहने के व्यक्ति के लिए जिस तरह से उनके साथ रह के रात दिन रह के उनका मैं सेवा किया हूँ, उसी यानी कि सेवा के प्रतिफल में उनसे मैंने फिर एक बार उनसे मैं मेरा विनम्र निवेदन है कि फिर से मुझे एक मौका दें। हमारी सिमडेगा के हमारे जिला, प्रखंड, पंचायत बूथ और सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर पुनः विश्वास किया गया। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी हमारी पार्टी। तो कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया और विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब जरा इरफान अंसारी को जान लेते हैं कि इरफान अंसारी आखिर कौन है, उनकी शिक्षा कहां से हुई और क्या। देखिए जामताड़ा से इस बार वो उम्मीदवार, उम्र 49 साल, शिक्षा एमबीबीएस एमटी उन्होंने किया हुआ है। कुल संपत्ति की बात करें तो 1,07,00,000 के आसपास उनकी संपत्ति, और आपराधिक मामले की अगर बात करें तो इरफान अंसारी के ऊपर 4 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। ये जानकारी जो है उनकी तरफ से साझा की गई। शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और लुगन एसके यूनिवर्सिटी यूक्रेन से उन्होंने डॉक्टरेट की है और कुल संपत्ति तकरीबन 1,07,00,000 के आसपास उनकी बताई गई। हटिया विधानसभा सीट से इस बार मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हटिया से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नवीन जायसवाल और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव के साथ ही आसू नेता भरत काशी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। दरअसल भरत काशी की ग्रामीण इलाकों में अच्छी पैठ बताई जाती है, जिससे हटिया का ये मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन उससे अलग होकर इस बार जनता यहाँ पर लड़ाई करेगी। भरत काशी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, यहाँ पर हटिया की जनता यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेगा और इस बार निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टी से अलग होकर इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव होने की आवश्यकता है, ये जनता बदलेगी। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज के आवास पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे और उनसे जाकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की।
तो वहीं लोहरदगा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामेश्वर उरांव ने नामांकन कर दिया है। रामेश्वर उरांव ने 4 सेट में नामांकन किया। इस मौके पर उनके प्रस्तावक के तौर पर सांसद धीरज प्रसाद मौजूद रहे। भारी संख्या में समर्थकों के ढोल नगाड़े की धुन के बीच रामेश्वर उरांव ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दिलचस्प बात ये रही कि लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत के बीच कई मौकों पर खुलकर टकराव आपने देखा होगा, जब सामने इस तरह के टकराव की स्थिति बनती दिखी। लेकिन अब चुनाव में सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। हम लगा करके चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे और 13 तारीख को जो मतदान होगा, रिजल्ट 23 को निकलेगा, तो विजय श्री कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। तो जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिग्गजों ने आज अपना नॉमिनेशन किया। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता और एनडीए जेडीयू कैंडिडेट सरयू राय ने नॉमिनेशन किया। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से बगावत कर जिला पार्षद राजकुमार सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन किया। पुटका से बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने भी आज नामांकन का पर्चा भरा। तो झारखंड की राजनीति में आज नामांकन का दिन रहा और बड़े पैमाने पर नेताओं ने नामांकन किया, जिसमें कई दिग्गज भी एक बार फिर अपनी सियासी किस्मत को आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। एक साथ 8 प्रत्याशियों के नामांकन की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके हैं, जिसमें जमुआ गिरिडीह से आप देख रहे होंगे नॉमिनेशन का पर्चा भरते हुए, केदार हाजरा जेएमएम से, डॉक्टर मंजू कुमारी बीजेपी कैंडिडेट जमुआ से, गिरिडीह में वो चुनावी ताल ठोक रही हैं। हजारीबाग की तस्वीर जहां प्रदीप प्रसाद बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से, महंगामा गोड्डा से, कांके रांची से लेके जीतू चरण राम और श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी के टिकट पर, कोलेबीरा से और सिमडेगा की तस्वीर भी आपके सामने है। साथ ही साथ रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी कैंडिडेट चुनावी मैदान में विश्रामपुर पलामू से। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।